दोस्तों रियलमी लॉन्च करने वाला है अपना नया स्मार्टफोन रियलमी X7 Pro, जिसमें दोस्तों आपको कम प्राइस में आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है रियलमी अपने नया दोस्तों जो मोबाइल की सीरीज़ है X7 जो दोस्तों जनवरी के महीने में लॉन्च करने वाला है, जिसमें आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं X7 और X7 Pro। आज हम बात करने वाले हैं X7 Pro के बारे में, क्या क्या इसमें आपको स्पेक्स देखने को मिलती हैं, प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोहल परिहार, आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल सोहल परिहार MGT में। लेकर आया हूं बहुत ही कमाल की वीडियो। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये वीडियो इस साल की 2020 की हम लोग की दोस्तों लास्ट वीडियो है। अगला दोस्तों जो हम वीडियो बनाएंगे वो 2021 में बनाएंगे। अब दोस्तों जो हमारा फ़ोन आता है वो आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी X7 Pro। सबसे पहले बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस में, और परफॉर्मेंस में सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों इसमें आपको MediaTek की तरफ से MediaTek Dimensity 1000+ का इसमें आपको पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आपके स्मार्टफोन में जो परफॉर्मेंस होंगी वो दोस्तों 1/200 होने वाली है। और साथ में आपको 8GB रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो मैं आपको 6.55 इंच की फुल HD प्लस आपको AMOLED स्क्रीन देखने को मिलता है, जिससे मदद से आप अपने स्मार्टफोन में 4K वीडियोस को अच्छी क्वालिटी में चला सकते हो। साथ में आप हाई ग्राफिक्स वाले गेम का भी मजा ले सकते हो, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह गेम को भी हाई अल्ट्रा HD में दोस्तों आप खेल सकते हो। साथ में आपको 120Hz की रिफ्रेशिंग रेट देखने को मिलती है, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन में काफ़ी तेज़ी से ऐप्स वगैरह को दोस्तों चेंज कर सकते हो। कैमरे के बारे में बात करूं तो इसमें आपको क्वाड कैमरे का आपको सेटअप देखने को मिलता है। पहला ऑन मेन कैमरा आपको 64MP का, साथ में आपको 8MP वाइड एंगल्स के लिए, 2MP माइक्रो के लिए, 2MP डेप्थ सेंसिंग के लिए। फ्रंट कैमरे के बारे में बात करूं तो फ्रंट में आपको 32MP की आपको सेल्फी देखने को मिलती है। वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बात करूं, पीछे आप फुल HD में 60fps में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, साथ में आप 4K 30fps में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रंट कैमरे के बारे में बात करूं तो फ्रंट में आप फुल HD में 30fps में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बैटरी के बारे में बात करूं तो मैं आपको 4500mAh की बैटरी मिलती है, साथ में आपको 65W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन में सिर्फ 35 मिनट्स में 100% दोस्तों स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो। और साथ में आपको ये स्मार्टफोन दोस्तों एक 5G नेटवर्क के साथ आता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी एंड सेंसर के बारे में बात करूं, इसमें आपको सभी तरीके के इसमें आपको सेंसर देखने को मिलते हैं। दोस्तों मैं सारे सेंसर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है, फेस ID भी दोस्तों आपको देखने को मिलता है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई इसके परफॉर्मेंस के बारे में, इसकी डिस्प्ले के बारे में, इसके कैमरे के बारे में, इसकी बैटरी के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्राइस आपको 23,419 स्मार्टफोन की प्राइस है, और लॉन्च डेट के बारे में बात करूं, ये स्मार्टफोन जनवरी में बहुत ही जल्दी दोस्तों लॉन्च होने वाला है, 26 जनवरी 2021। अब दोस्तों रियलमी की तरफ से एक सस्ता तो नहीं पर एक अफोर्डेबल दोस्तों 5G फ़ोन है, जिसमें आपको बहुत ही कमाल की आपको फीचर देखने को मिल जाती है। मेरे को तो स्मार्टफोन काफ़ी पसंद आए, क्योंकि सबसे पहले इसमें आपको MediaTek Dimensity 1000+ का इसमें आपको पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलता है, साथ में आपको 8GB रैम देखने को मिल जाती है, AMOLED स्क्रीन देखने को मिलती है, जिससे वो गेम्स वगैरह का मजा दोस्तों 1/200 हो जाएगा। साथ में आपको 120Hz की रिफ्रेशिंग रेट देखने को मिल जाती है, 65W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है, जिसकी मदद से अपने स्मार्टफोन को 35 मिनट्स में 100% दोस्तों चार्ज कर सकते हो। और क्या चाहिए दोस्तों एक स्मार्टफोन में, यही सभी चीजें चाहिए पड़ती है, अच्छा प्रोसेसर, अच्छी रैम, अच्छा डिस्प्ले और अच्छी बैटरी। अब दोस्तों ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा और एक मिड रेंज के लिए 20,000 के रेंज में काफ़ी दोस्तों बढ़िया मेरे को तो दोस्तों स्मार्टफोन लगा। अब दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों को अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करा है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।